नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हेमंत शर्मा। आज हम महिला क्रिकेट की बात करेंगे कि इंदौर शहर में, मध्य प्रदेश में और इस देश में महिला क्रिकेट किस लेवल पर चल रहा है, कितना लोगों का इंटरेस्ट है वुमेंस क्रिकेट को लेकर, और वर्ल्ड कप के बाद में जिस तरह से बड़ी संख्या में इंदौर शहर में एक क्रेज़ बढ़ा था, वो अब कहाँ तक चरम पर है, उनके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे हम भारतीय क्रिकेट टीम की सदस्य रही बिंदेश्वरी गोयल मैडम से, जिन्होंने लगभग 20 साल भारतीय टीम में क्रिकेट खेला, अपनी स्पिन से अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ाए और विकेट चटके। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मृदुभाषी के स्टूडियो में। मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूँगा कि आपने 20 साल क्रिकेट खेला, रेलवे में नौकरी करते हुए आपको लंबा समय हो गया, यदि हम यदि गलत नहीं हो तो लगभग 90s के समय में आपने क्रिकेट की शुरुआत की और खेला भी। ये वो दौर हुआ करता था जब क्रिकेट की तरफ महिलाओं का रुख या तो होता ही नहीं था, और होता था तो बहुत रेयर केस में नज़र आते थे। कैसे आपके क्रिकेट की शुरुआत हुई? मैंने स्कूल से स्टार्ट किया क्रिकेट खेलना। ऐसे ही देखा मैंने ग्राउंड पे बच्चे कुछ क्रिकेट खेले, ट्रायल चल रहा, तो मेरी मैम ने बोला आप भी ट्रायल दे दो। हमने कहा ठीक है, ट्रायल दे देते हैं। देख खेला थोड़ा सा, अच्छा लगा। फिर उन्होंने कहा तुम्हें ज़्यादा खेलना है क्या क्रिकेट? मैंने कहा हाँ खेलना तो है क्रिकेट, थोड़ा इंटरेस्ट भी लग रहा था कि बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में। तो हैप्पी वांडरर्स फिर ज्वाइन किया मैंने, वहाँ से हैप्पी वांडरर्स में गई खेलने, तो बड़ा और अच्छा लगा, मतलब मेरा इंटरेस्ट आया थोड़ा क्रिकेट में। फिर मुझे लगता है कि जिस दौर में आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, उस समय तो केवल एक ही क्लब हुआ करता था। हाँ, तब एक ही क्लब था हैप्पी वांडरर्स। बच्चे आते थे वहाँ पे महिलाओं में करीब खेलने के लिए? हाँ, 20-25 बच्चे आते थे, मतलब सीनियर्स मिला के 20-25 लोग आते थे हम लोग वुमेन्स क्रिकेट में। बाकी तो और कहीं, इवन वहीं से पूरी एमपी टीम ही बनती थी। क्या बात है। हाँ, एक भोपाल का एक क्लब था कोई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, और एक इंदौर का हैप्पी वांडरर्स, वहाँ से पूरी एमपी टीम बन जाती थी। कितने खिलाड़ी और बहुत अच्छे खेलते थे, मतलब एमपी टीम की बात करें और भारतीय क्रिकेट टीम की बात करें वुमेन्स की, वो कितने खिलाड़ी खेले हैं? मुझे हैप्पी वांडरर्स से तो बहुत, मतलब मेरे ख्याल से एमपी में जितने खिलाड़ी खेले 90% तो हैप्पी वांडरर्स से खेले। क्या बात है। इसमें कुछ चुनिंदा नाम की बात करें, संध्या अग्रवाल दीदी हमारी, हाँ, चित्रा वाजपेयी है, हाँ जी, हाँ जी, रूपांजलि शास्त्री है, मिनोती देसाई है, ये रेखा पुणेकर दीदी है हमारी, इवन अरुंधति किरकिरे, निधि बुले, बबीता मांडलिक, ये इवन राजेश्वरी गोयल जो मेरी सिस्टर भी है, वो अभी बॉम्बे में है, वो भी वहीं से खेली, सारे वहीं से, मतलब इंडिया खेले उस क्लब से। मध्य प्रदेश के सीनियर सिलेक्टर भी रहे हैं। हाँ। भारतीय क्रिकेट टीम में लंबे समय तक आपने खेला है, क्या लगता है कि अब इंदौर और मध्य प्रदेश के क्रिकेट टीम में किस तरह का एक माहौल है वुमेन्स क्रिकेट की बात की जाए तो? नहीं, अभी तो माहौल काफ़ी चेंज हुआ है, लड़कियां मेहनत भी बहुत कर रही हैं और लड़कियों को इंटरेस्ट भी काफ़ी आ रहा है, और इवन क्लब्स बहुत सारे हो गए, मतलब बच्चों को फैसिलिटीज़ भी काफ़ी मिल रही है अभी तो। मुझे लगता है थोड़े टाइम में हमारी एमपी से लड़कियां काफ़ी आगे जाएंगी। तो और सुविधाओं के नाम पे बात की जाए, जब आप क्रिकेट खेलते थे तब क्या सुविधाएं मिलती थी, किस तरह? हमें तो कुछ नहीं मिलता था, हमें तो कुछ नहीं मिलता था, बस हमें तो ये था कि हम अच्छा खेलेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी, हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। इवन हुआ भी यही, मतलब क्रिकेट ने काफ़ी कुछ दिया है हमको। क्रिकेट की तरफ रुख करने का एक कारण और भी हुआ करता था जो आपने चर्चाओं में बताया, वो क्या था? हाँ, मेरा एक्चुअली मैं टिपिकल यूपी की हूँ, मतलब बॉर्न तो यूपी से था मेरा, तो एक इंटरेस्ट था कि मुझे जीन्स पहनना या पैंट पहनने का बड़ा शौक था, जो कि हमारे घर में बहुत अलाउड नहीं था, तो उस कारण ये कारण भी था एक क्रिकेट स्टार्ट करने का। और वो सिलसिला इस तरह से आगे बढ़ा। हाँ। कि 20 साल क्रिकेट खेला और अब उत्तराखंड के सिलेक्टर के रूप में आप यहाँ मौजूद हैं, और उत्तराखंड की टीम को किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, खिलाड़ी किस तरह से तैयार हो और किस तरह से वे आगे धूम मचाएं, उसको लेकर भी आपका एक बहुत बड़ा योगदान। और मैं आपको बताऊँ कि अंडर 19 की टीम ने अभी उत्तराखंड ने मध्य प्रदेश की टीम को हराया भी है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ज़्यादा खुश हैं या नर्वस हैं कि मध्य प्रदेश की टीम को चूंकि आप सिलेक्टर उत्तराखंड के और रहते आप मध्य प्रदेश में? नहीं, एमपी से तो बाय हार्ट बहुत अटैचमेंट है मेरा, और बस ये था
वहाँ काम कर रही हूँ मैं, तो अच्छा लगा कि जीत गए वो लोग, बट एमपी हारा तो बुरा भी लगा, मतलब फील तो अच्छा नहीं हुआ। हम हाँ, दोनों ही स्थानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ, बाकी उत्तराखंड में आप सिलेक्टर की भूमिका में हैं, तो अपने बच्चे यदि जीतते हैं हाँ, तो खुशी महसूस होती है, लेकिन मध्य प्रदेश यदि हार रहा हाँ, तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा दुख होता थोड़ा सा। वुमेन्स क्रिकेट की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की और इंदौर के क्या हालात हैं, अभी कितने क्लब हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्लबों में सुविधाएं प्रॉपर उन बच्चों को मिल पा रही है, किस तरह से आप लोग? इंदौर में करीब 8-10 क्लब हो गए अभी तो, और उन बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, इवन अच्छे कोचेस मिल रहे हैं, और स्पेशली IDCA ने जैसे एक अलग से वुमेन्स के लिए क्लब बना रखा है, प्लस बाकी सभी क्लब्स में वुमेन्स के लिए अच्छी फैसिलिटीज हो गई है। बॉयज के साथ भी क्रिकेट, बॉयज के साथ हाँ 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 कंफर्टेबल महसूस, नहीं नहीं खेलते हैं आजकल बच्चे, इवन बॉयज के साथ आजकल एमपी के बच्चे, अपने इंदौर के बच्चे मैचेस खेलते हैं, उनकी अच्छी प्रैक्टिस हाँ अच्छी प्रैक्टिस होती है, मैचेस इस तरह से करवाने का सिलसिला, क्योंकि एक बड़े लेवल पे आपको उस लेवल के प्लेयर्स मिलते हैं बॉयज के साथ जो प्रैक्टिस करते हैं, उनको फायदा भी मिलता है इससे। एक वर्ल्ड कप में जब हम लोग फाइनल में पहुंचे थे महिला क्रिकेट की बात की जाए, तो उसके बाद जो क्रेज एक बना था वो जबरदस्त क्रेज था, और उसके बाद मुझे लगता है कि इंदौर शहर में कई क्लबों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और बच्चों का भी रुख काफी था, वो बरकरार है या वो सिलसिला कहीं टूटा है? भी वो बिल्कुल बरकरार है वो अभी, और जब हम वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे उसके बाद तो सडनली बहुत ज्यादा वुमेन्स क्रिकेट एकदम फॉर्म में आ गया था कि नहीं, और बच्चे काफी इंटरेस्ट से खेलते, और इवन पहले क्या होता है जैसे हम लोग जिस टाइम खेले ना बच्चों को नाम नहीं पता था, आजकल सबको नाम पता है, मिताली, मंदाना, हरमन, शेफाली, झूलन, रोहित शर्मा हाँ वैसे उनके वैसे स्टार हैं, स्टार हो गए हाँ, क्रिकेट, और उनको देख के लोग प्रभावित होते हैं, इंटरेस्ट जागता है और क्रिकेट खेलने के लिए मैदान तक लोग पहुंचते हैं। आज की बात की जाए तो यदि भारतीय टीम में मध्य प्रदेश की कोई खिलाड़ी है तो पूजा वस्त्रकार है अभी फिलहाल, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश से अब खिलाड़ी कम चयनित हो रहे हैं या फिर देश भर से अच्छे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं? नहीं नहीं, हमारे एमपी में बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हम थोड़े टाइम बाद हमको मुझे मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि एमपी से लड़कियां इंडिया खेलेंगी और ज़रूर खेलेंगी, क्योंकि अभी जो आने वाली लड़कियां हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं, मतलब कुछ बच्चे आ रहे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बस ये कि हम लोग क्या होता है थोड़ा सा मतलब क्वार्टर तक जा पाते हैं, हमें सेमी फाइनल हमें टीम को भी आगे ले जाना पड़ेगा, वो थोड़ा सा एक हमारा ड्रॉबैक है। लेकिन ये सिलसिला कम क्यों होता जा रहा है? एक समय आपने बताया है कि मध्य प्रदेश की टीम पूरी इंदौर से तैयार होती थी और कहीं ना कहीं भारतीय टीम में प्रतिनिधित्व भी बड़ी संख्या में हुआ करता था, और बाद में यदि देखा जाए तो आप हुए और अरुंधति किरकिरे हुए, दो ही लोग भारतीय क्रिकेट टीम में महिला क्रिकेट टीम में थे और अब तो एक ही व्यक्ति है कहीं ना कहीं, तो ये सिलसिला धीरे धीरे पीछे क्यों जा रहा है? इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता आपको महसूस नहीं होती? नहीं नहीं होगा, अभी मतलब अभी प्लेयर्स क्या है मेहनत करते, बट हमें एज ए टीम भी हमें आगे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, और परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा देना पड़ेगा तभी हम लड़कियाँ और खेलेगी। अभी इवन अभी एमपी में काफ़ी बच्चे बहुत टैलेंटेड है। आपके जहन में क्या कौन कौन से नाम आते हैं जिसमें आपको लगता है कि ये टैलेंट उभर के भारतीय क्रिकेट टीम तक पहुँचेगा? कौन खिलाड़ी इतने अच्छे हैं जो उत्तराखंड के हो चाहे मध्य प्रदेश के हों? नहीं एमपी से जैसे सलोनी डोंगरे है, बहुत अच्छी प्लेयर है वो, आशना पाटीदार है, ये भी अच्छी प्लेयर है, इवन दो तीन प्लेयर और अंडर 19 के बच्चे, सौम्या तिवारी है भोपाल की, अनुष्का शर्मा है ग्वालियर की, वो ये बच्चे ऐसे जो आगे जाके मुझे लगता है ये इंडिया जरूर खेलेंगे और डेफिनेटली खेलेंगे। मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख लगता है क्रिकेट को लेकर, वुमेन्स क्रिकेट को लेकर, क्या सुविधाएं आप लोगों को मिलती है, क्या बेहतर सुविधाएं मिल रही है और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से या फिर प्लेयर्स? अभी मतलब एमपी गवर्नमेंट ने अभी एक प्लान की हुई है एकेडमी शिवपुरी में, उसके लिए टैलेंट सर्च का प्रोग्राम था, अभी पोस्टपोन हुआ, शायद कोविड की वजह से पोस्टपोन किया है, वो प्रोग्राम अभी होने वाला है जिसमें काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुए, मैं आपको बता दूँ करीब 1500 बच्चों के रजिस्ट्रेशन हो चुके ऑलरेडी, अलग अलग स्टेट्स के, मतलब भोपाल के, उज्जैन के, इंदौर के, सभी ऐसे, तो मुझे लगता है वो एकेडमी से हमें फ़ायदा होगा। क्या बात है, मध्य प्रदेश
कि टीम का प्रतिनिधित्व आपने किया, भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व आपने किया, कुछ ऐसे इंसिडेंट रहे होंगे उस समय जो आपको बहुत याद आते होंगे, क्रिकेट के हो चाहे देश और विदेश के हो, क्या क्या है जो हमारे दर्शकों से आप शेयर करना चाहते हैं? हाँ, मैं एक बताती हूँ, मुझे काफी याद है, साउथ अफ्रीका हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, झूलन झूलन बंगाली है, तो हम टेस्ट मैच खेल रहे थे, तो वो झूलन ने बॉल डाला और वो बंगाली स्टाइल में बोली, अरे इसको समझ नहीं आ रहा, इसको समझ नहीं आ रहा है तो हमारी एक प्लेयर है जया शर्मा, वो बोली, तू जो बोल रही ना हमें समझ नहीं आ रहा है, उसको क्या समझ आएगा वो कुछ ऐसा हुआ था कि वो नॉन स्ट्राइक पर दोनों पहुंच गए थे ऐसा, तो कुछ बोली ऐसा, तो मुझे वो बहुत याद आता है कि वो उस स्टाइल में बोली थी, अरे समझ नहीं आ रहा इसका, तो इतने अच्छे से बोली, लगता है वो स्टंप के माइक और कैमरास भी नहीं हुआ करते थे रिकॉर्ड हो पाए, क्योंकि आजकल तो जरा सा धोनी और यदि कुछ भी बोलते हैं तो वो सारा देश सुनता है, दुनिया सुनती है और उसके कई मीम्स बनते हैं, रिकॉर्ड में आ भी जाते हैं, इस तरह के कई वाक्य बहुत होते हैं, याद आती है सब उन सब चीजों की। इवन झूलन की तो बहुत, झूलन मेरी इंग्लैंड में 45 डेज रूम पार्टनर थी, लास्ट में हम लोगों का ये हुआ कि वो बंगाली स्टाइल में बोलती थी, मेरे पापा जा रही थी मेरी मम्मी आ रहा था, तो वो सब चीजें याद आती है काफी, क्योंकि काफी टाइम साथ रहे हम लोग। तो अब भारतीय टीम जिस तरह से प्रेजेंट कर रही है अपने आप को, अच्छा खेल रही है, क्या उम्मीदें हैं आपको? नहीं, भारतीय टीम बहुत अच्छा कर रही है और हमें उम्मीद है कि वर्ल्ड कप जीत कर आए, मतलब हमारा सपना यही है कि वर्ल्ड कप जीते। ग्रेट। और यदि बात करें हम आपके दौर की, जब आपने लगातार 20 साल लगभग क्रिकेट खेला, क्या अचीवमेंट आपके रहे और क्या भूमिका हुआ करती थी आपकी क्रिकेट टीम में? अचीवमेंट्स तो काफ़ी रहे अच्छे, मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट खेला, क्रिकेट ने एक अच्छी लाइफ दी है, सेटल लाइफ दी है, दूसरा ये कि जॉब दी है, मतलब जॉब भी है, आज हम फाइनेंशियली भी अच्छे हैं सब उसमें, और मतलब क्रिकेट से ही सब कुछ मिला है हमको, क्रिकेट से मिला है। भी जो जीवन है वो लगभग आप क्रिकेट को समर्पित करती हैं, उत्तराखंड की सिलेक्टर भी हैं और उत्तराखंड की जो टीम है वो मुझे लगता है कि सारी अभी पूरी युवा टीम है, जिन्हें अभी शुरुआत है, कहीं स्टार्टिंग है उनका, किस तरह का प्रेजेंटेशन है उनका, किस तरह का बेहतर खेल सामने रख रही है और कितने खिलाड़ी आपको लगता है वहाँ पे जो यंगस्टर्स बच्चे हैं वो बहुत अच्छे, मतलब इवन अभी जो हमारी चैलेंजर्स हुई थी अंडर 19, उसमें 7 बच्चे हमारे चैलेंजर खेले, मतलब बहुत अच्छी बात है ये उत्तराखंड के लिए कि 7 बच्चे चैलेंजर खेले, सीनियर्स में 2 बच्चे चैलेंजर खेले, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड से भी अंडर 19 वर्ल्ड कप की जो टीम बनेगी उसमें 2-3 बच्चे खेलेंगे। क्या बात है, आप अलग अलग कई भूमिकाओं में हैं, परिवार भी संभालती हैं, उत्तराखंड के खिलाड़ियों को भी संभालती हैं और रेलवे में लगातार जॉब भी है, तो कैसे मैनेज करते हैं तीनों भूमिकाओं के साथ, किस तरह से न्याय करते हैं आप? मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ ना, मैं सब मैनेज कर सकती हूँ मुझे लगता है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन हम सब मैनेज कर सकते हैं, अपना बच्चा भी, घर भी और फील्ड भी, ऑफिस भी। ग्रेट। लगातार क्रिकेट के लिए समर्पण जिस तरह से आप मैडम को देख रहे हैं, बिंदेश्वरी गोयल मैडम जो कि भारतीय क्रिकेट टीम का एक बड़ा नाम हुआ करती थी, ऑफ स्पिनर से अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ाए हैं और कई रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए हैं, आज उन्होंने हमें समय दिया, मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मृदुभाषी को समय दिया और अपनी बहुत सारी जो यादें हैं वो हमारे साथ शेयर किया। मैं अगले कार्यक्रम में एक बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।